आपने खास तौर से आत्मा के बारे में फरमाया, वो मेरा टुकड़ा है, जिगर वो शायद रसूल है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरा टुकड़ा है। जाहिर है कि हजरत फातिमा आप जाती हैं, तो जो फातिमा को गुस्सा दिलाएगा वो मुझे गुस्सा दिलाएगा, तो बात यह हमारी गुस्सा रिवायत से जो उनको तकलीफ पहुँचाएगा वो मुझे तकलीफ पहुँचाएगा। बात खत्म हो गई, लेकिन हजरत फातिमा के बारे में आपने ही फरमाया सही चीज़ों को दिखाया है, जन्नत जन्नत में खवातीन की क़यादत और क़यादत हजरत फातिमा को मिलने वाली, तमाम अहले जन्नत की खवातीन की सरदारी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हिस्से में है। इस वजह से आप हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब आप बीमार थे तो आपने करीब बुलाया, तो हजरत फातिमा जो है रोने लगी, फिर फरीद बुलाया तो हंसने लगी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि तुमने कहा कि आज अजीब बात की, एक दफ़ा फरीद हुई तो हंसने लगी, दूसरी दफ़ा फरीद हुई तो रोने लगी, पहले के जब मैं फरीद हुई तो आपने फरमाया कि अब मैं इस मर्ज से यहाँ पर नहीं होगा, मैं दुनिया में जाने वाला हूँ, तो मैं रोने लगी। फिर आपने मुझे अपना फरीद किया था सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी यार, तो मैं खुश हो गई। और इसका नतीजा ये है कि मैं छः महीने के बाद हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की दुनिया से रुख्सत हो गई और अपने वालिद को खिदमत में हाजिर हो। तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सिलसिले में भी आपने ये बात फरमाई, और हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में फरमाया, एक मरतबा हजरत हसन आपके मोढ़े पर थे, आप उबल लिए हुए थे और फरमाया कि अल्लाह मैंने हिब्बु का हिब्बा, अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर, या दुआ फरमा रहे थे गैर हजरत हसन से। और हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम थे, सबसे ज़्यादा मुशाबे थे। इस वजह से तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम हजरत हसन को बेपनाह कहते हैं, और हजरत हुसैन को भी उनके बाद, हजरत हसन को भी और हजरत हुसैन को। एक मरतबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत हसन से कहा, मियाँ साहबज़ादे आते थे तुम, तो हजरत हसन इस दफ़ा तशरीफ ले गए हजरत उमर के यहाँ, तो हजरत हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला बाहर बैठे थे, उनको इजाज़त नहीं थी अंदर जाने की, और वह गेट पर बैठा था और बाहर बेटे बैठे हुए थे, ये लौट आए, जाहिर है बेटे बाहर बैठे तो मैं देख लूँ, ये भी इजाज़त नहीं मिलेगी। लेकिन उसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुलाकात की हजरत हसन से, और वो सारे यहाँ आए नहीं तो हजरत अमीर उल्मोमिनीन हाजिर हुआ था, लेकिन आपके साथ जाते ही बात बैठे हुए थे, तो मेरी क्या मजाल का इंतजार था, पहले वे कह रहे हैं यहाँ हसन तुमने अजीब बात कही, कहाँ अब्दुल्ला कहाँ तुम, अब्दुल्ला तो बाहर बैठ सकते हैं लेकिन जब तुम आओगे उनको कौन रोक सकता है, जो कुछ हमको मिला है तो तुम्हारे खानदान में तो पैसे मिला है, तुम्हारे ही घर से तो मिला हुआ है, उनको जो कुछ मिला है, लेकिन ये हजरत उमर ने उनके लिए जो वजीफा मुकर्रर किया है हजरत के लिए वो सबसे आगे सबसे ज्यादा मुकर्रर किया था हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला। और इसी तरह दीगर सहाबा इकराम को और सबसे इहतराम करते थे, यही नहीं सबसे दिलचस्प बात यह है कि हजरत अली भी इहतराम करते थे, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी अपने साहबज़ादों का इकराम करते थे, हजरत फातिमा के क्योंकि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब तक रही हजरत अली की दूसरी की शादी की इजाज़त भी नहीं, वरना आराम में तो आम तौर पर उनकी शादी तमाम सहाबा इकराम करते थे, सबके दो भी दिया तकरीबन, बहुत कम ऐसे होंगे जिनकी एक दोनों हो। हजरत अली ने इजाज़त भी चाहिए लेकिन रसूल फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इजाज़त नहीं, फातिमा के साथ किसी और इसमें एक बात वही है जो
मैंने कलर की थी, अगर वो जहन में रहे थे मतलब इसको अटकते ऐसा आपने क्यों किया। जब वैश्विक सिलसिले में बात मैंने कही थी वही यहाँ पर की है, क्योंकि अगर दलील में वो है और आप दलील आप को चाहते हैं और आप अगर दलील को चाहते हैं नतीजे भी हैं सामान भी हैं। और तो यहाँ बात यह है हजरत फातिमा का मकाम जाहिर बहुत गलत है और आपने फरमा दिया मेरा टुकड़ा है जो उनको तकलीफ पहुँचाएगा मुझे तकलीफ पहुँचा। अब इसमें हो पहले भी जब दूसरी खातून आई तो जाहिर है कि कुछ न कुछ तो उससे पहली को तकलीफ पहुँच सकती है और जब हजरत फातिमा को तकलीफ पहुँचेगी तो रसूल फातिमा पहुँचेगी। अब आपको तकलीफ पहुँची लाशरी में भी गैर शहूरी तौर पर भी तो जिससे पहुँचेगी उसका ईमान खतरे में आ जाएगा। इसलिए अगर कहीं को आगे बना फरमा दिया तो कुछ आगे न करना जब तक फातिमा है। अगर फातिमा के बाद ही अगर तरी रजी अल्लाह तला की शादी है जिससे फिर मोहम्मद इब्न हनफिया पैदा हुआ। मोहम्मद इब्न हनफिया भी हजरत अली के बेटे हैं, तो एक हजरत हसन और हजरत हुसैन के भाई हैं। और अब होता ये था जैसे कि मैंने अर्ज किया कि हजरत हसन और हजरत हुसैन वो हजरत अली को अच्छा थे और उनको हर जगह आगे रखते थे खास मौक़ों पर। अब जैसे दर्द यही का मसला है, इनामात का मसला है, हसन हुसैन को आगे रखते थे और जंगों में जाना है कोई और मार्का सब करना है तो मोहम्मद ने हनफी बनते थे उम्र मुका भी नहीं थे। एक लोग लगाने वाले हर जमाने में रहते तो एक साथ में आकर मोहम्मद ने हनफी सराई से कहा कि तुम्हारे वाले मामला भी ठीक कर रहे हैं। जब मामला होता देने जलाने का तो हसन हुसैन को आगे रखते और जब मार्के में जाने का होता जरूर है तो उनको आगे रखते। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, अल्लाह वालों का जवाब दिया क्या जवाब होता है उनका सही करते हैं। मैं उनका हाथ हूँ, मैं उनका हाथ हूँ और वो दोनों उनकी दो आंखें हैं, उनकी दो आंखों की हिफाजत अपने हाथ से करते हैं। बस ये है कि जवाब सही दिया तो उन्होंने ये जवाब दिया तो इससे तो जमाने का मिजाज मिजाज यानी लोगों का मिजाज मालूम होता है और जमाने में इस तरह की बातें रही। लेकिन आदमी अगर खुद जरा चौकन्ना रहे और सही बात समझने वाला हो तो फिर जल्दी से आदमी इधर उधर नहीं जाता। बहरहाल यहाँ हजरत हसन और हजरत अली रजी अल्लाह हजरत अली रजी अल्लाह तआला के बारे में भी तो गैर मामूली बातें हैं। वो तो एक ऐसी शख्सियत है हजरत अली रजी अल्लाह तआला की कि गैर मामूली फल और उनके उनकी जात में झलकता और टपकता है, मालूम होता है गैर मामूली शख्सियत है। इसी वजह से एक मौके से आपने फरमाया हाली तुम्हारे सिलसिले में दो लोग हलाक होंगे, एक वो जो हद से बढ़ जाएंगे मोहब्बत में गुलू करने वाले होंगे और दूसरे जो तुमसे वो उगरत करेंगे, ये दोनों हलाक और बात हो गया। तो हजरत अली की बात आपने बात फरमाई, बात यह है कि आपने हजरत अली के बारे में फरमाया था कि अली जो है अफवाह है अफवाह अली और अफवाह का मतलब ये होता है कि पेचीदा से पेचीदा मुश्किल से मुश्किल और परेशान कुल परेशान कुल मसला पेश आ जाए और उसको हल करने में माहिर हो वो है अफवाह, यानी फैसला करने की गैर मामूली ताकत। इसी वजह से हजरत अली का मसला किसी के समझ में नहीं आता था, थोड़ा पेचीदा होता था तो हजरत अली के खिदमत में भेजना पड़ता था, हजरत अली मिनटों में उसको हल कर देते थे। इसीलिए उनका लकब पड़ गया मुश्किल कुशा। मुश्किल कुशा तो मुश्किल कुशा का असल मसला यही है माने कि मुश्किल मसले को हल करने वाला, लेकिन बल्ला भला करने गुलू करने वालों को उन्होंने मुश्किल कुशा को भी मुश्किल बना दिया, यानी अब मुश्किल कुशा ये शिर्क वाला मामला हो गया। वो समझते हैं मुश्किल में मदद करने वाला, ऐसा नहीं है इसके माने ये नहीं, मुश्किल कुशा यानी मुश्किल मसले को खोल देने वाला ये है मुश्किल कुशा का मतलब। इसी एतबार से हजरत अली मुश्किल कुशा थे लेकिन अब उनके एक मतलब अलग हो गया तो अब नहीं है। इसलिए कि किसी मुश्किल वक्त में आड़े वक्त में काम आना और सब जमाना अभी गुजर चुका है
अब वो आकर आपकी मुश्किल कुशाई करेंगे। गलत है, अकीदे के खिलाफ सरासर शिर्क है। अब अगर कोई कहता है और इस लफ्ज का इस्तेमाल करता है तो उसके शिर्क करने में तो कोई कलाम ही नहीं। जैसे कि आजकल पूरी शिया कौम मुशरिक है, इसी में मुबतला है। उनके यहाँ सबसे बड़ा नारा या अली का है और या अली मुश्किल को या अली अल मदद, यही उसके लिखा हुआ मिलेगा। ऊपर भी दिमाग में भी सीने में भी यही लिखा हुआ है, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते हैं। ना अल्लाह से मतलब, ना रसूल से मतलब, और न किसी और शख्सियत से उसका कोई ताल्लुक है। इसी में बुझे हुए हैं, वो ऐसे खुशा तो रहा नहीं उनके पास, मुश्किल ही मुश्किल रही। उसी में उलझे है, गलता और पेचा है। तो इस वजह से हजरत अली रजी अल्लाह तआला के बारे में इस तरह के ख्याल शुरू ही पैदा होने शुरू हो गए। और बहुत से लोग समझते थे इनके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुपके से जाके अंदर बता दिए हैं, और इनको खासतौर से अपने फल से अदा किए हैं, इसलिए इनके बराबर कोई नहीं। उस जमाने में हजरत अली से एक बात पूछी थी लोगों ने, सोनल का भाई रखी कुछ नहीं है, गलत फहमी है तुम लोगों की, ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ चीजें मेरे पास लिखी भी मौजूद है, और ये है देख लो, बता भी दिया बस इतना है। हाँ अल्लाह ने हमको अकल दी है, ये हजरत अली ने कहा, अकल दी है, फहम दी है, और कुरान की खासतौर से कि फौरन मसला समझ में आ जाता है, उसको हल कर देते हैं। और इस तरह हल करते हैं कि सबको जरूरत है हजरत अली की, कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यहाँ तक हजरत मुआविया, उनको भी जरूरत है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह उन्होंने भी किया। हजरत मुआविया एक कपड़ा ही इसमें लेना चाहिए कि ये सेब की तरदीद में हम लोग इतनी दूर तक चले जाते हैं कि हजरत मुआविया के मुकाबले में हजरत अली भी जाते हैं। हजरत अली को हजरत मुआविया के मुकाबले में लाना हर दर्जे की बेदबी है। जिस तरह अबू बकर को हजरत रसूल पाक अलैहिस्सलाम सलाम के मुकाबले में नहीं लाना चाहिए, कहाँ अल्लाह के रसूल, कहाँ अबू बकर, हजरत रसूल, लेकिन हजरत अबू बकर हजरत अबू बकर है, अफजल है सारे काबों में, लेकिन रसूल नहीं। वैसे ही हजरत अली और हजरत मुआविया, हजरत मुआविया तो सहाबी हैं, इस वजह से उनकी शान में गुस्ताखी करना भी बहुत बड़ी बेदबी है, और जो करेगा वो भी काम से गया। लेकिन हजरत अली के मुकाबले में लाना ये भी उससे बड़ी बेदबी है। इसलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला का मकाम इतना बुलंद है कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला